डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर जो भी काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं उनकी एक फेवरेट वेबसाइट होती है केगल। क्या आप सबको केगल के बारे में पता है कि केगल क्या है और उसके अंदर ऐसे कौन कौन से हिडन फीचर्स हैं जो आप सब लोगों को अभी तक नहीं पता है? यदि आपको केगल के बारे में नहीं पता है और आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाने जा रहे हैं तो आप बहुत ही चीज गलत कर रहे हैं। आपको केगल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम केगल के बारे में जानेंगे, केगल क्या है और उसके अंदर के जो हिडन फीचर्स हैं उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस जैसे ही फील्ड के अंदर अपना करियर ग्रोथ देनी है तो आप WS Cryptek के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के अंदर ज्वाइनिंग करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS Cryptek, मायसेल्फ गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं केगल वेबसाइट के बारे में कि केगल वेबसाइट क्या है और वो आपकी हेल्प कैसे कर सकती है डेटा साइंस की जर्नी में या फिर मशीन लर्निंग की जर्नी में। तो देखिए, बेसिकली बात करें कि डेटा साइंस या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर आप काम कर रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस सारी जगह पर आपको डेटा सेट्स की जरूरत होती है। और काफी लोगों को पता होगा कि डेटा सेट्स को गेट करने का जो रिसोर्सेज है वो केगल है। तो केगल आपके पास क्या करती है, आपको डेटा सेट प्रोवाइड करती है, मतलब आपको एक्सेल सीट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप उसके ऊपर अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली सब लोग अभी तक यही जानते थे कि केगल आपके पास डेटा सेट ही प्रोवाइड करता है, लेकिन आज मैं केगल के ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो चलिए हम सीखते हैं कि केगल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं अपने गूगल में आ चुका हूं और गूगल में आने के बाद आपको केगल सर्च करना है। केगल सर्च करने के बाद आपको केगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करना है और पहले अपना एक लॉगिन पेज बना लेना है जहां से आपको लॉगिन वगैरह कर देना है। उसके बाद आप होम वाले सेशन पे आ जाएं तो होम वाला सेशन आपको पास कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, केगल आपके पास यहां पे डेटा सेट तो प्रोवाइड कराता है। जैसा आप डेटा सेट चाहते हैं, जिस तरह का भी डेटा सेट चाहते हैं उस तरह का डेटा सेट आपको केगल प्रोवाइड करवा देगा। इसके अंदर आपके पास बिगनर टू एडवांस लेवल सभी तरीके के डेटा सेट प्रोवाइड है, तो उनके ऊपर आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में अपनी अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपके पास बहुत तरह के डेटा सेट है। यहां पर आपको जिस तरह का डेटा सेट चाहिए वैसा आपको डेटा सेट मिल जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड डेटा सेट चाहिए तो आप एजुकेशन से रिलेटेड आप डेटा सेट यहां पर ले सकते हैं। एंड इसके अलावा बात करें तो यहां पर आपके पास हर तरीके के डेटा आपके पास प्रोवाइड है। चलिए तो जरा यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला फीचर्स क्या है कि यदि आपके पास कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, मतलब आप डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बनाने जा रहे हैं लेकिन आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके पास अच्छा तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, लो कॉन्फिगरेशन सिस्टम है, तब भी आप केगल के ऊपर आके अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये केगल के ऊपर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो जैसे कि मेरे पास स्मार्ट वॉच प्राइस के ऊपर यहां पर एक डेटा सेट है, मैं इसी के ऊपर जाके क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या करना है कि इसी के ऊपर मुझे क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो केगल आपको यहां पे न्यू नोटबुक का ऑप्शन देता है। न्यू नोटबुक के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर डायरेक्टली कोड कर सकते हैं। मतलब आप जो आपने यहां पे डेटा सेट देखा है, इस डेटा सेट के ऊपर यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये डेटा सेट डाउनलोड करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपको यहां पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, केगल के जो यहाँ पे नोटबुक वाला पेज है इसके ऊपर आ सकते हैं, यहां से आपके पास अपना कोड खुद लिख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आपको कोड कैसे लिखना है, तो ये सेम एज जुपिटर नोटबुक की तरह ही काम करता है। आप यहाँ पे जैसे जुपिटर नोटबुक वैसे काम करता है वैसी तरह काम ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कोई भी अपना पाइथन का कोड लिखते हैं तो वो पाइथन का कोड भी आपके पास रन हो जाता है। जस्ट लाइक देखिए, मैं यहाँ पे पाइथन का कोड यहाँ पे रन करने जा रहा हूँ, हेलो पाइथन प्रिंट करूंगा, तो देखो हेलो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ टाइम लेता है, ये आपके इंटरनेट के ऊपर चलता है कि इंटरनेट कितना अच्छा है उसी के ऊपर आपका वर्क करेगा। एंड देन आपके पास यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आपको निकाल के देगा। तो फिलहाल अभी ये क्या कर रहा है, आपके पास स्टार्टिंग में कुछ टाइम ले रहा है जिसकी वजह से ये आपके पास रन नहीं हो रहा है। ओके, ये स्टार्टिंग में टाइम लेने के बाद में अब आपका जो काम होगा वो बहुत ही फास्ट ही चलेगा। यदि आपको जुपिटर नोटबुक चलाना आता है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कोड है, ये कोड आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो कोड लिखा है ये पाइथन का है, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे मॉडल पे जाएं, मॉडल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए नोटबुक ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। लैंग्वेज के अंदर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों आपको मिल जाएगी। आप दोनों में से जिससे फैमिलियर है आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं पाइथन के ऊपर ज्यादा काम करता हूं तो मैं बेसिकली पाइथन का यहां पे वर्क करूंगा। तो बेसिकली आप यहां पर अपना चीजें चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि जीपीयू की जरूरत है, यदि आप डीप लर्निंग के अंदर काम कर रहे हैं और आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की जरूरत है, और यदि आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम नहीं है तब आप यहां पर इसके जीपीयू को यहां पे
एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके जीपीओ को एक्सेस करने के लिए आपको यहां पे बस क्या करना है, वेरीफाई करना है फोन नंबर को और उसके बाद जीपीओ को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो इसलिए मैंने यहां पे लॉगिन नहीं कर रखा है, लेकिन आपको जरूरत है तो आप यहां पे लॉगिन करके काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम होते हुए भी यदि आप अपना वर्किंग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप केगल के ऊपर आके यहां पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास केगल के नोटबुक की बात, जिसके ऊपर हमने केगल के बारे में समझा कि आप कैसे काम कर सकते हैं, अपना कोड कैसे लिखते हैं। अब केगल आपकी एक और बहुत ही अच्छी हेल्प करता है यहां पे कि यदि आपके पास कोई डेटा सेट है, उस डेटा सेट के ऊपर आपने अपना कोड लिखा, ऐसे ही बहुत सारे लोग अपना अपना कोड लिखते रहते हैं और उन कोड को देखकर आप अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं कि आपने कौन सी मिस्टेक की है और उन्होंने कौन सी मिस्टेक नहीं की है, उन्होंने अपने कोड को कैसे अच्छे तरीके से बनाया, ये सारी चीजें भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहां पे जब भी आप किसी डेटा सेट के ऊपर आते हैं तो आपको कोड वाला सेशन मिलेगा। कोड वाले सेशन के अंदर क्या है कि जितने भी लोग यहां पे कोड करते हैं उनको ओपन सोर्स कर दिया जाता है ताकि हर कोई पर्सन हर किसी का कोड देख सके। जैसे कि ये मेरा यहां पे देखिए डेटा कार्ड में जाऊंगा तो मुझे डेटा सेट देखने को मिल जाएगा आराम से, लेकिन जैसे ही मैं कोड वाले सेशन पे जाऊंगा तो मुझे कोड देखने को मिल जाएगा, हर तरीके के कोड मिल जाएंगे यहां पे। आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, मोस्ट वोटेड, मोस्ट व्यूज वगैरह सबको देख सकते हैं यहां पे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो पर्सन का लिखा हुआ जो कोड है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या चीजें यहां पर अप्लाई की है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, इसके बाद में इन्होंने क्या कोड लिखा है, दैट्स वो पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ये सारी चीजें लोड हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने पहले डेटा सेट को लोड किया, उसके बाद में यहाँ पे इसके डुप्लीकेट्स को हटाया, उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रोफाइलिंग रिपोर्ट निकाली है एंड बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड करके यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से इसे एनालिसिस किया है और इसके थ्रू यहाँ पर इन्होंने प्रिडिक्शंस किया है। तो बेसिकली आपको यदि डेटा साइंस के अंदर कुछ चीजें सीखनी है तो आप पुराने लोगों के कोड को देखकर बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या कोड लिखा है और हम क्या कोड लिख रहे हैं, इसके अंदर आपके पास डिफरेंशिएट मिल जाएगा और डिफरेंशिएट मिलने से आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा यहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया केगल का यहां पर सेकंड हिडन फीचर जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों के कोड देख सकते हैं। अब हर एक आपके पास डेटा सेट के अंदर, जैसे मैं किसी और डेटा सेट के अंदर जाऊंगा तो वहां पे भी आपको हर तरीके के कोड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे डेटा सेट पे चलता हूँ और डेटा सेट के ऊपर चलने के बाद में आप किसी और का कोड उठाते हैं, जैसे कोड सिपिंग का डेटा सेट उठाते हैं तो इसके अंदर भी देखो कोड आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज बताऊं यहाँ पर, तो आपको डिस्कशन भी मिल जाएगा, मतलब यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस डेटा सेट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर अपना डिस्कशन कर सकते हैं किसी लोगों से कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि किसी को कोई रिव्यू देना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे स्टैक ओवरफ्लो होता है उसी तरह से केगल ने भी क्या कर रखा है, अपना एक यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट बना रखा है जहां पे आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप यहां पे अपनी पोस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी रिव्यू होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास यहां पे लिख दिया जाएगा। That's, ये आपके पास डेटा सेट से रिलेटेड चीजें आपको दिखती है। इसी के अंदर देखिए आपके पास मॉडल्स भी मिल जाएंगे, मॉडल्स के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो मॉडल बनाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए कोड वाला सेशन है, कोड वाले सेशन के अंदर जाके आप यहां पर अपना कोड जो भी है, जिसके अभी क्वेश्चन का कोड है वो कोड आप देख सकते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बोला डिस्कशन वाला पॉइंट, यहां पे भी आपको एक डिस्कशन वाला पॉइंट मिल जाता है जिसके अंदर देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप अपने डिस्कस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी पर्सन से, आपने जो भी चीज पूछनी है या फिर आपको जो भी चीज नहीं आ रही है, कहीं प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, किसी कोड में गलती हो चुकी है तो आप यहाँ पर उस चीज से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे बना रखी है क्योंकि केगल की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा आज के टाइम के अंदर बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या रखा है, एक डिस्कशन का पॉइंट बना रखा है जहां से आप अपना आराम से डिस्कस करके आप बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखिए लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कर रखा है कि केगल ने देखा कि यहां पे बहुत सारे लोगों का एंगेजमेंट बढ़ चुका है, तो इसको देखते हुए केगल ने क्या किया कि जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से फील्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, उनके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां पे आप जाके कुछ चीजों को सीख सकते हैं। यदि आप यहां पे बिगिनर हैं तो मैं आपको यहां पे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको जाके सीखें। रीजन क्या है कि यहां पे आपके पास कुछ एडवांस पार्ट ही लिखे हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, इतना डीप के अंदर इन्होंने इनको नहीं सिखाया है। बेसिक लर्निंग है यहाँ पे तो आपको पहले प्रॉपरली सीख लेना चाहिए। यदि आप कहीं फंस जाते हैं और आपको कुछ चीजें देखनी है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने देखिए पाइथन के अंदर लिखा है, पाइथन के अंदर इन्होंने लिस्ट को लिखा है, स्ट्रिंग को लिखा है, बाकी सारी चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लिखा है। तो बेसिकली कुछ कुछ चीजें इन्होंने डिस्कस की है, लेकिन ये डिस्कशन वाला जो ट्यूटोरियल है आप यहाँ पर यदि देखेंगे, डिस्कशन वाला जो भी ट्यूटोरियल यहाँ पे इन्होंने यूज किया है वो आपके पास क्या है, एकदम थ्योरी ट्यूटोरियल है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मिलेगा जिसके आप सिर्फ पढ़कर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं।
राइट, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और ट्यूटोरियल पे जाता हूँ। तो देखो इन्होंने केवल यहाँ पे थ्योरी लिखी है जहां से आप इसे पढ़कर अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म भी इनका बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफी चीजें आपको मिल जाएगी। कुछ नई चीजें आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन इन्होंने देखिए कुछ और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी ऐड कर रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत काम के हैं। अब बात करते हैं केगल के ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, वो है इस केगल का कॉम्पिटिशन। यस, केगल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं। इन कॉम्पिटिशन के अंदर आप अपना ज्वाइनिंग करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह के कॉम्पिटिशन है और ये कॉम्पिटिशन अलग अलग तरीके के हैं। देखिए काफी कॉम्पिटिशन जो होती है वो कंपनियां करवाती है, अलग अलग तरह की कंपनियां कराती है हायरिंग के लिए। काफी जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो आपके पास रिसर्च के रिलेटेड भी होते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन आपको देखने मिल जाएंगे और इनके अंदर प्राइजेस मनी भी होती है। काफी कॉम्पिटिशन होते हैं जिनके अंदर प्राइजेस मनी है और उनके अंदर ड्यूरेशन भी लिखा हुआ होता है कि कितने ड्यूरेशन के अंदर वो कोड कंप्लीट करके देना है। तो आपको उस ड्यूरेशन के अंदर यदि आप कोड कंप्लीट करके देते हैं तो आपको वो प्राइज मनी भी आपको मिल सकती है। देन इसके बाद में काफी है जो नॉलेज पर्पस के लिए दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जो आपके पास यहाँ पे इसे ज्वाइनिंग करके आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ऐसे कॉम्पिटिशन है जिनके अंदर प्राइज है तो वहां पर आप प्राइज मनी भी गेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि केगल के अंदर यदि आप कोई कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई करते हैं और कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है अपने रेज्यूमे के लिए, जिसे आप अपने रेज्यूमे में ऐड करके आप बता सकते हैं कि आपने केगल का कॉम्पिटिशन जीता है, तो आपके जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए केगल के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं। अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मतलब क्या है कि जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आप रेगुलर यहाँ पे अपना इनरोलमेंट देते जा रहे हैं, आप यहाँ पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी अपने आप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब केगल के पोर्टफोलियो की बात करें तो केगल के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलती है। ये रैंकिंग किस तरह से होती है तो देखिए बेसिकली बात करें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप नॉइस सेशन में आते हैं, फिर आप अपना धीरे धीरे कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो आप कॉन्ट्रीब्यूटर में आ जाते हैं, फिर उसके बाद यदि आप कोई मेडल्स वगैरह जीतते हैं जैसे कि आपने कोई कंपटीशन में पार्ट किया है, आप डेटा सेट को नए डेटा सेट को यदि लोड कर रहे हैं, जैसे आप अपना डेटा सेट भी यहां पर लोड कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई एक ऐसा डेटा सेट है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होने वाली है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अपना डेटा सेट भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आप डेटा सेट को अपलोड करते हैं या कॉम्पिटिशन करते हैं या फिर यहाँ पे किसी भी चीज का यहाँ पे आंसर वगैरह देते हैं तो आप यहाँ पे एक्सपर्ट में चले जाते हैं, और जब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आप मास्टर में चले जाते हैं, देन आप यहाँ पे ग्रैंड मास्टर में भी जा सकते हैं। उसके बाद बात करें मेडल्स के अंदर तो मेडल्स के अंदर अलग अलग तरीके के मेडल्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन के अलग मेडल्स है यहाँ पे, डेटा सेट से रिलेटेड अलग मॉडल्स है मेडल्स है यहाँ पे, नोटबुक से रिलेटेड अलग मेडल्स है यहाँ पे, डिस्कशन से रिलेटेड अलग मेडल्स है आपके पास, तो ये सारे मेडल्स आपके पास विन होते हैं और जैसे जैसे आपके पास मेडल्स मिलते रहते हैं वैसे वैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती रहती है, और ये रैंकिंग जब आपके पास बहुत अच्छी हो जाती है तो आप किसी भी कंपनी के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे अपना पोर्टफोलियो के अंदर ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि केगल जो है वो केवल आपके पास डेटा सेट से रिलेटेड ही वर्क नहीं करती है, केवल आपको डेटा सेट ही नहीं प्रोवाइड करती है बल्कि इसके साथ साथ आपके पास आपकी स्किल्स को भी इंप्रूव करवाती है, चाहे आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हो, डिस्कशन से रिलेटेड हो, इन सारी चीजों में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आई थिंक आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि केगल वेबसाइट क्या है और ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इसी तरह से। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।